अमरनाथ यात्रा हिंदू धर्म की सबसे प्रमुख यात्रा मानी जाती है, जिसे हर हिंदुस्तानी अपने जीवन में एक बार जरूर करना चाहेगा। जम्मू एंड कश्मीर में स्थित अमरनाथ यात्रा में देश विदेश के हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से 31 अगस्त के बीच में हर साल आयोजित की जाती है। सो इस वीडियो में मैं आपको अमरनाथ यात्रा के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि अमरनाथ यात्रा कब जाएं, कैसे जाएं, कितना खर्चा आएगा अमरनाथ यात्रा का, होटल एंड फूड एक्सपेंस। सो ये वीडियो एज अ गाइड काम करेगी जब भी आप अपनी अमरनाथ यात्रा प्लान करोगे। सो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे कि ट्रैवल फॉर ऑल की सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अमरनाथ मंदिर समुंदर तल से 12,756 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां पर आप दो रास्तों से पहुंच सकते हैं। बलताल और पहलगांव से आप अपनी अमरनाथ यात्रा शुरू कर सकते हैं। सो सबसे पहले आप जम्मू या श्रीनगर आ जाएं। श्रीनगर से पहलगांव की दूरी 88 किलोमीटर है। श्रीनगर से आपको काफ़ी सारी शेयर टैक्सी सर्विस और बसेस अवेलेबल हो जाएंगी, जो कि आपको 2.5 से 3 घंटे में पहलगांव पहुंचा देगी। सिमिलरली श्रीनगर से बलताल की दूरी 95 किलोमीटर है और 3.5 से 4 घंटे का समय आपको बलताल पहुंचने में लगता है। सो अमरनाथ आप पैदल ट्रैक करके हेलीकॉप्टर या फिर घोड़े या पालकी से पहुंच सकते हैं। पहले बात करते हैं पैदल ट्रैक की। पहलगांव से अमरनाथ गुफा की दूरी 47 किलोमीटर है, जिसे आप ट्रैक करके तय कर सकते हैं। पहला पड़ाव चंदनवाड़ी बेस कैंप है, जो कि लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर आप शेयर टैक्सी से पहुंच सकते हैं और आगे अपना पैदल ट्रैक शुरू कर सकते हैं। अगला पड़ाव शेषनाग है, जो कि 12 किलोमीटर की दूरी पर है। उससे अगला पड़ाव पंचतरनी है, जो कि 14 किलोमीटर की दूरी पर है और उससे आगे 6 किलोमीटर की दूरी तय कर आप अमरनाथ गुफा पहुँच जाते हैं। सो पहलगांव से अगर आप अपनी यात्रा शुरू करें तो आपको 2 से 3 दिन अमरनाथ गुफा पहुंचने में लगते हैं। बलताल से गुफा लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर है। इस ट्रैक पर आपको सीधी चढ़ाई देखने को मिलेगी, इसके कारण ये मार्ग काफ़ी मुश्किल रहता है। पहला पड़ाव बर्बरी मार्ग, जो कि 7 किलोमीटर की दूरी पर है। उससे अगला पड़ाव 4 किलोमीटर की दूरी पर संगम है और उससे आगे 3 किलोमीटर का ट्रैक कर आप अमरनाथ गुफा पहुँच जाएंगे। हेलीकॉप्टर से आप अमरनाथ पहुंचना चाहें तो आप पहलगांव या बलताल से हेलीकॉप्टर ले सकते हैं, जो कि आपको पंचतरनी तक उतारता है। पंचतरनी से अमरनाथ गुफा की दूरी 6 किलोमीटर रह जाती है, जिसे आप पैदल ट्रैक करके तय कर सकते हैं। पहलगांव से अगर आप हेलीकॉप्टर ले तो टिकट अराउंड आपको 8,500 to 9,000 रुपीज तक की पड़ेगी और बलताल से अगर आप हेलीकॉप्टर लें तो टिकट आपको 5,000 to 6,000 रुपीज तक पड़ेगी, जिसमें आना जाना दोनों कवर रहेगा। डॉक्यूमेंट की बात करें तो 2 मेन डॉक्यूमेंट आपको जरूर चाहिए होते हैं, यात्रा परमिट और मेडिकल सर्टिफिकेट। परमिट आप ऑनलाइन श्री अमरनाथ जी श्राइन.com से ले सकते हैं। इस साइट पर आप रजिस्ट्रेशन करा लें और परमिट का प्रिंट आउट निकलवा लें। हेलीकॉप्टर बुकिंग भी आप इस साइट से कर सकते हैं और यात्रा से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन आपको इस साइट पर मिल जाएगी। मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए भी आपको इस वेबसाइट पर अपने राज्यों के डॉक्टर की लिस्ट मिल जाएगी, जिनसे आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। और आपको जम्मू पहुंचकर सबसे पहले RFID कार्ड कलेक्ट करना होता है, जो कि मैंडेटरी है अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए। जम्मू में भगवती नगर कॉम्प्लेक्स से आप RFID कार्ड कलेक्ट कर सकते हैं और फर्स्ट डे आप अपना स्टे जम्मू में ही कर सकते हैं। भगवती नगर जम्मू रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। भगवती नगर में भी आपको काफ़ी सारे स्टे के ऑप्शन मिल जाएंगे, जहां पर आप अपना फर्स्ट डे का स्टे कर सकते हैं और नेक्स्ट डे आप पहलगांव या बलताल की बस ले सकते हैं, जो कि आपको शाम तक पहलगांव या बलताल पहुँचा देगी। सेकेंड डे आप पहलगांव या बलताल में अपना स्टे करें और नेक्स्ट डे अपनी यात्रा शुरू करें। सो आप अपनी यात्रा इस तरह से प्लान करें कि पहलगांव से आप अपनी यात्रा स्टार्ट करें और बलताल वाले रास्ते से वापस आ जाएं। पहलगांव से आप सबसे पहले जाएंगे चंदनवाड़ी, जो कि 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, जहां तक आप लोकल या शेयर टैक्सी से जा सकते हैं, जो कि 100 से 150 रुपये पर पर्सन में आपको चंदनवाड़ी पहुँचा देगी। चंदनवाड़ी से आगे आपको पैदल 32 किलोमीटर का ट्रैक कर बाबा अमरनाथ जी की गुफा तक पहुँचना होता है। सो फर्स्टली आप पहुंचेंगे 12 किलोमीटर का ट्रैक कर शेषनाग।
वहाँ पर आप अपना नाइट स्टे करेंगे। पूरी अमरनाथ यात्रा में आपको जगह जगह लंगर देखने को मिल जाएंगे, सो खाने पीने की कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। खाने पीने में आपका कोई भी खर्चा नहीं लगेगा, बस आपको स्टे का खर्चा आएगा। स्टे के लिए आपको टेंट जगह जगह मिल जाएंगे, जिसका किराया 500 से 700 रुपये तक होता है, जिसमें आपको ब्लैंकेट प्रोवाइड किया जाता है। सो नेक्स्ट डे आप शेषनाग से अपनी अमरनाथ गुफा की यात्रा शुरू करें। 12 से 13 किलोमीटर पर आपको पंचतरणी पड़ेगा, जहां पर हेलीपैड भी बना हुआ है। सो अगर आप हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं तो हेलीकॉप्टर आपको पंचतरणी उतारेगा। वहां से आगे अमरनाथ जी गुफा 6 किलोमीटर रह जाती है। सो आगे 6 किलोमीटर का ट्रैक कर आप पहुंच जाएंगे अमरनाथ जी गुफा, जहां पर आप दर्शन कीजिए और वहां पर आपको बहुत सारे टेंट के ऑप्शन मिल जाएंगे। वहां पर आप अपना स्टे कर सकते हैं और निःशुल्क लंगर भी आपको मिल जाएंगे। सो डे 4 पर आप दर्शन करके आराम कीजिए, या फिर आप डे 5 की सुबह अमरनाथ जी गुफा के दर्शन कर सकते हैं और अपनी रिटर्न यात्रा कर सकते हैं। सो रिटर्न में आप बलताल जा सकते हैं। बलताल वाले रास्ते से वापस आने में आप एक ही दिन में बलताल पहुंच जाएंगे, जिसमें आप डे 5 पर अपना बलताल में स्टे कर सकते हैं और नेक्स्ट डे डे 6 पर अपनी रिटर्न जर्नी शुरू कर सकते हैं। अगर आप पहलगाँव से आना चाहें तो एक दिन आपका और लग जाएगा। आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग अपनी यात्रा प्लान कर सकते हैं। घोड़े और पालकी की बात करें तो घोड़े और पालकी से भी आप अपनी अमरनाथ यात्रा कर सकते हैं। घोड़े से अगर आप पहलगाँव से अपनी यात्रा करना चाहें तो आने जाने का खर्चा आपका 8500 से 9000 रुपीस तक लगेगा। वहीं अगर आप बलताल से घोड़े से यात्रा करना चाहें तो 5 से 6000 रुपये खर्चा आएगा। पालकी के किराए की बात करें तो पालकी का किराया वजन के हिसाब से होता है, उसमें आपके 15 से 16000 रुपये यात्रा करने में लग जाएंगे। यात्रा के दौरान आप गर्म कपड़े, कुछ स्नैक्स, ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ जरूर रखें और अपना पहचान पत्र भी अपने साथ जरूर रखें। सो बजट की बात करें तो खर्चा जो मेन आपका होगा वो आपका आने जाने का और स्टे का खर्चा होगा। खाना पीना आपका फ्री ही रहेगा। सो आप 5 से 6000 में अपनी अमरनाथ यात्रा कर सकते हैं। अगर आप घोड़ा या हेलीकॉप्टर का यूज़ कर रहे हैं तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा। सो इस तरह से आप अपनी अमरनाथ यात्रा प्लान कर सकते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।